जनवरी मास 14 तारीख दिन परीर माँ सौदामिनी साहू मान्यवर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट रे एक कथा परी एवं परी भली ओडिशा रे 5500 निखोज शिशुंक न्याय पाई सुप्रीम कोर्ट रे केस दाखल करथिले एवं सुप्रीम कोर्ट सीबीआई एवं राज्य सरकार उभयंकु नोटिस जारी करथिले। नोटिस रो सुनाणी गतकाली फेब्रुवरी 22 तारीख को स्थिर करा जायथिला, जोटा होची जनवरी 14 पाखरु प्राय 5 सप्ताह, किंतु एई 5 सप्ताह भितरे राज्य सरकार मान्यवर सुप्रीम कोर्ट का आगरे कौनसी उत्तर रखी पारी नाहंती गतकाली सुधा। प्रथम कथा होची जे राज्य सरकार सही वकिल को देचंती, जो वकिल ओडिशा रे रथयात्रा न हेउ ता पाई वकिलाती करिया पाई कि जहाँ को राज्य सरकार स्थिर करथिले ईसी अग्रवाल, जो ईसी अग्रवाल राज्य सरकार को पक्षरु मान्यवर सुप्रीम कोर्ट आगरे मिछ तथ्य रखिथिले जे एते संख्या रे श्रद्धालु हेबे कोरोना समय रे आमे ताकु नियंत्रण करि पारिबोनी तणु रथयात्रा न हो। आ परवर्ती काल रे आपण माने जानिचंदे जे सुप्रीम कोर्ट से कथा को मध्य उल्टे किरी रथयात्रा होबा पई कि राय देले, पूर्ण जो ईसी अग्रवाल रथयात्रा रे रथयात्रा प्रसंग रे मिथ्या कहितले सुप्रीम कोर्ट रे एवं केस को हारी थिले सुप्रीम कोर्ट रे, से ईसी अग्रवाल को परी घटना रे राज्य सरकार तंका मंत्री को सुरक्षा दवा पाई कि पूर्ण आउथरे निजुक्त करिचंती। ईसी अग्रवाल कर लॉ फर्म होची भारत वर्षर सबुठो बड़ लॉ फर्म एवं से गोटे गोटे हियरिंग पाई तंकर जो फी रहिची भारत वर्षर सर्वाधिक फी होची ईसी अग्रवाल कर। जेते बेले राज्य सरकार एवं तंका एसआईटी कहुचंती जे परी घटना रे सबो खुलासा हे जायछि, सबो तथ्य प्रमाण आम हाथ में लगी, चिल्ड्रन्स कोर्ट रे मध्य चार्जशीट दाखल होइछि, दोषी को दंडित करिवा पई कि फांसी खुंट रे छिड़ा करिवा पई कि सबो तथ्य आम पाखरे अछि, सेई तथ्य को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट रे दाखल न करिकिरी राज्य राजकोषरो कोटी कोटी टंका खर्च करिकिरी ईसी अग्रवाल को निजुक्त करिवार कारण कौन, ये होची आमर प्रथम प्रश्न। जदि राज्य सरकार को पाखरे सब तथ्य अछि, सब खुलासा हे जाइछि, आउ दोषी दंडित हब तथ्य प्रमाण आगरे अछि, तदंत सरी जाइछि, ताहले जो तदंतर जहाँ निर्देश बाहरला, जो तथ्य प्रमाण चिल्ड्रेन्स कोर्ट रे राज्य सरकार रखिचंती से तथ्य प्रमाण सुप्रीम कोर्ट रे रखिबा पई कि राज्य सरकार कौन पई कि डरुचंती। जदि कोर्ट रो तदंत, जदि पुलिस रो तदंत हे सारिची आ सब कथा खुला रे अछि, सेई जदि भी सीबीआई आसीबो सेई जिनस ही देखिबो, आ सीबीआई तो नुआ एठी रोपण करिवनी तथ्य प्रमाण, आपण जो तथ्य प्रमाण देचंती सेई तथ्य प्रमाण को जदि भी सुप्रीम सीबीआई आसे सेई तथ्य प्रमाण आधार रे ही से माने आगु को बढ़िबे, तो राज्य सरकार को भय रे ईसी अग्रवाल को नियुक्त करचंती ए केस रे। आमर स्पष्ट मत जे जेमती राज्यर मंत्री अरुण साहू को एक केस रे बंचेबा पई सीधा सड़क परीर मार जो बयान, आमे आउ का बयान को जाऊ भी नाहु, परीर मार बयान परवर्ती काल रे निजे सरोज सेठी रो बयान भी आसुची, सरोज सेठी रो माँ का बयान भी आसुची, बहुत लोकंकर बयान या भीतर आसलानी, किंतु पीड़ितार माँ जहाँ कहते बाबुली नायक ओगेर विजु जनता दलर कार्यकर्ता माने जो माने मंत्री अरुण साहू को अति खास लोक से मानू बचेवाई कि एसआईटी अंटा भिड़ीला एवं घंट घोड़ेबा रो तथ्य प्रमाण मध्य चिल्ड्रेन्स कोर्ट रे दाखल करा सरी, एबे सेई तथ्य प्रमाण दबा पाई कि राज्य सरकार कौन पाई कि डरुचंती,
कौन पाई कि राज्य राजकोष रु कोटि कोटि टंका खर्च करिकरी ईसी अग्रवाल को निजुक्त करा जाय छी, ये तो चिंतार विषय, ये तो आम पैसा। अबे प्रश्न पचारिबो, साधारण ओडिशा रो टिकसदाता रो पैसा जेतेबेले राज्य सरकार लगौचंती आईन को न्याय को बाटबणा करिबा पाई कि निश्चित भाबरे ओडिशावासी ए प्रश्न पचारिबे ईसी अग्रवाल को जरूरत काहे कि पड़िला राज्य सरकार को। आउ गत काली जो सुनाणी हैला से सुनाणी रे राज्य सरकार तांको काउंटर न रखिकिरी आहुरी 4 सप्ताह समय मागिले, आहुरी 4 सप्ताह माने 5 सप्ताह गलाणी आहुरी 4 सप्ताह मागिले। आपण तो ऑलरेडी चार्जशीट दाखल करी सारिचंती चिल्ड्रन्स कोर्ट रे, पूर्ण 4 सप्ताह कौन आहुरी नुआ तथ्य प्रमाण आणिबे कि एथरे कौन पाई कि राज्य सरकार गत काली जेतेबेले चिल्ड्रेन्स कोर्ट रे चार्जशीट ऑलरेडी दाखल हो सारी आपण सरोज सेठी को दोषी सब्यस्त करने को अंटा भिड़ी कौन पाई कि आपण सुप्रीम कोर्ट रे आहुरी 4 सप्ताह समय मागिले एक कथा को राज्य सरकार स्पष्ट करतु। आमर मत जे राज्य सरकार पाखरे कौन सी तथ्य प्रमाण नहीं, ना सरोज सेठी को दोषी सब्यस्त करिवारे ना आउ कहा को दोषी सब्यस्त करिवारे, कारण सी भल कि जानती असल दोषी जी ता विरुद्ध जहाँ जहाँ तथ्य प्रमाण थिला ताकु से माने नष्ट करि सारिचंती। ए जो 4 सप्ताह मोहलत मागिचंती ये आगामी दिन रे जहाँ आउ जहाँ भी टिके सुराग थिबो सबु मिटेबा पई कि राज्य सरकार समय मागिचंती, तनो राज्य सरकार आईन को बाट ओगाळिचंती केमिति पीड़िता न्याय न पाइब तार व्यवस्था करमि दोषी दंडित न हो ता व्यवस्था करमि दोषी खसी से जी भी दोषी हो आमे जानू किए दोषी आपण तो शुणिले पर माँ कौन कहला से अनुसार तो आप कौन से तदंत कले भी ना आप कौन तदंत कले कह सहित मैच भी कला ना कि एपेजे आपड़ चाहूं सीबीआई ओडिशा को एवं न आसु ये स्पष्ट प्रमाण करुच्ची जो आपण ईसी अग्रवाल को लगे से कम स्पष्ट प्रमाणित हो आपण लुचेवाई किसी अच्छी आगामी दिन में संपूर्ण तथ्य प्रमाण नष्ट कि आप 4 हप्ता समय मान्यवर उच्चतम न्यायालय ठू नहीं तेणु राज्य सरकार को आमर अनुरोध करार तो आई आम एति कहू जे परी एवं परिवली 5500 निखोज शिशुपाई कि ये जो लड़े ए लड़ाई रे भारतीय जनता पार्टी रही आगामी दिन में रहिबो गोटे 5 वर्षर छोट छुआ को न्याय न दबा कि राज्य सरकार कौ स्तर को जापारती ओडिशावासी सब देखुं कौ स्तर को जापारती सुप्रीम कोर्ट रे भी आप ईसी अग्रवाल को लगेले से लोक जी रथजात्रा करई दौनला ओडिशा रे ओडिया विरोधी मानसिकता धरुवा लोक को आपड़ पुणी लगे आउ गोटे ओडिशा रो झियो माँ बहु मानंक विरुद्ध काम करिया कि ये कि प्रकार मानसिकता राज्य सरकार रा आमे बुझी पारना किंतु एतिकी स्पष्ट जे राज्य सरकार चाहू नहांती 5 वर्षर छुआ परी न्याय पाऊ ता बापा माँ जो कांदी काटिकी छटपट होउचंती तांको ऊपर जो हत्या धमक दिया जाउची से माने न्याय पांतु एटा राज्य सरकार चाहू नहांती बोली स्पष्ट जना पड़ला। मु कहूची सुप्रीम कोर्ट कथा हाँ ना मुटा कहूनी मुझे गत काली सुप्रीम कोर्ट रो हियरिंग थिला आता आगुरु चार्जशीट दाखल हो गई चिल्ड्रन्स कोर्ट रे से कथा आम कहूँ जदि चिल्ड्रन्स कोर्ट रे तुम चार्जशीट दाखल कल तुम गत काली सुप्रीम कोर्ट रे कौन पाई कागज कौन पाई देखेलनी कौन पाई आहुरी 4 वीक टाइम मागिल तुम तो ऑलरेडी चार्जशीट दाखल हो सारी से ही जिनस ही देखे था ना 4 सप्ताह कौन पाई घंट घोड़ाइवाई तथ्य प्रमाण नष्ट देखु प्रथम कथा है आम क्या घंट घोड़ू कि क्या तरफ रु आम जुक्ति बाढ़ुनु आमको दुख लगुच राज्य सरकार जो भाई भाव में ये केस आगौंती एथेर सरोज सेठी को भी से दोषी सब्यस्त करें जदि सरोज सेठी दोषी ताले सीए कौन जीए भी दोषी कठोर रु कठोर तुम दंड पाऊना ता व्यवस्था तो कर जदि से राज्य सरकार चाहू था आहरी सीबीआई को स्वागत करू था किंतु राज्य सरकार चाहती एटी राज्य सरकार को कोई फरक पड़ूनी जे सरोज सेठी दोषी
कि बाबुली नायक दोषी कि किए दोषी सरकार राज्य सरकार गोटे आभिमुख्य अरुण साहू खसी जाते अरुण साहू को खसेवाई बाबुली नायक को खसेवा दरकार से कि राज्य सरकार ये जो प्रहेलिका रचिंट ये केस्र सरोज सेठी सागे जदि किसी लिंक रही आम तो से विषय किसी कह चाहूँ ये विचाराधीन कोर्टे अच्छी किंतु जो बाटर राज्य सरकार कौन सी जिनस तेज प्रमाणित करना सरोज सेठी जो जहाँ जहाँ एनालीसीस् करेंगे से किसी बाहर लानी लेगिंग रु किसी बाहर लानी टावेल रु किसी बाहर लानी सब तुम पाखे अच्छी जदि अच्छी दिना सुप्रीम कोर्टे कोर्ट कचेरी कम तो चिल्ड्रेन्स कोर्टे सरी जाऊना ठीक अच्छे चिल्ड्रेन्स कोर्टे दोषी आपड़ कहते सरोज सेठी दंडित दोषी सब्यस्त हम हेलापर मैटरनिटी सरीगला कि ना ना उपरको उपरको पुणी न्यायालय अच्छी सरोज सेठी जीव आपण को तो कौटि भी स्टैंड करवा अवस्था ना मोर कहवा कथा है आपड़ जदि चिल्ड्रेन्स कोर्टे जो दस्तावेज दे भावुंत ठीक देखें से दस्तावेज कौन पाई कि सुप्रीम कोर्टे दे समय कौन पाई कि मागिले आपण निजे कहते ओडिशारे जे आमर तदंत कम्प्लीट सरोज सेठी को फासी खुंटे ठिया हाँपाई कि आम पाखे जथेष तथ्य प्रमाण अच्छी दे था ना से जिनस सुप्रीमकोर्टे सुप्रीमकोर्ट कही था सीबीआई तदंत दरकार नहीं सिंपल कथा चार सप्ताह कौन पाई मागिले एटा राज्य सरकार स्पष्ट कर शुणु मु गोटे कथा कह चाहिए जेकोसी जगार जेकोसी समय जदि महिला कौन आउ कौ भी अत्याचार शिकार होता अपराध करपराधी धरा पड़ा निश्चित भाव से गोटे स्वागत योग्य कथा किंतु जो जिनस आपनिमास भितर करेंस ते का कमिशनरेट पुलिस कहते मुझे शुणुली जे आम तीन मस भस ते गठन है कौन साइलेंट वाइपर रो टीम तीन मस ते गठन है कहीं तीन मस ते गठन है कहीं कोड़े वर्ष ते गठन है यहाँ मोर प्रश्न प्रथम प्रश्न आपण मैंने भी पचारतु शासक दल को से कमिशनरेट पुलिस को पचारतु जे तीन मस ते कहीं आप हठात एत दरद कौटू बाहर कहीं बाहर कौन व्हाट वाज द ट्रिगर तीन मस ते व्हाट वाज द ट्रिगर मुझे कहूँ तीन मस ते व्हाट वाज द ट्रिगर तीन मस ते परीर कथा लोकलोचन को आसला जो दिन परीर बापा माँ जा आत्माहुति देवा उद्यम कले असेंबली सामने तापर राज्य सरकार ताको बाट बणा करने कि ऑपरेशन साइलेंट वाइपर उन्मोचन कले जदि आम बाईस वर्ष तलर कथा को खोजिकी बाहर करदेबू ताहले आउ चाड़ को परियाड़ी की कथा जीवनी आमु आमे सब श्रेय पाइब श्रेय नियो किछ मना ना किंतु श्रेय जदि तमे तुम इच्छा अनुसार नब आउ लोकों भल पाई भल करी नबनी ताहले लोक सेटा को पसंद करिवेनी मुई प्रथम लोक जी पुलिस को साधुवाद दब जेकोसी टाइम आप जो अपराधी को भी जब धरवे आम बहुत बहुत आपन को धन्यवाद दबु किंतु आपण जो 22 वर्ष काल ये केस उपर बसिले तीन मस भितर धरीदे तमें तीन मस भितर बीवन विश्वाल धरा पड़ी पारिबो एतिकी क्षमता आमर ओडिशा पुलिस अच्छी ताले 22 वर्ष काल कि राजनीति चलता ये राज्य या राज्य सरकार स्पष्ट करते द्वितीय रहिला आपणकर सीबीआई रा कथा सीबीआई उपरे भरोसा बोधे मान्यवर कमिश्नरेट पुलिस जहाँ कथार जना पड़ा आमर कितु अच्छे केन्द्रीय संस्था गोटे ऑटोनॉमस बॉडी जदि ठीक समय डका जाए काम करे को फ्रीडम दिया जाए आमर विश्वास जे केवल परी नुहे परी गोटे झील नुह तांगे आउ 5500 निखोज शिशुंर ओडिशार जो अंग तस्करीर कथा उठू से कथार पर्दाफाश हम ए पचर कौ इंटरस्टेट गैंग कम कर कौ मनी लंडरिंग कौ बड़ बड़ डाक्तरखाना मैंने सामिल कौ बड़ बड़ राजनेता मैंने सामिल कौ बड़ बड़ पूंजीपति मैंने या भितर सामिल ये सब कथार पर्दाफाश हबार निहाती आवश्यकता रही ये ओडिया जाति कि गोटे बड़ समस्या ओडिया छोट छोट ओडिया झील चालान हेबे अन्य राज्य को अंग बिक्री हेबो मृतदेह हाड़ कंका बस्ता भितर बाहर ये आम पाई कि ग्रहणीय नुहे
ଏଇଟା ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗିପାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ସାମାନ୍ୟ କଥା ଲାଗିପାରେ, ଛୋଟ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ CBI ଆସୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁ। ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚାରି ସପ୍ତାହ ନ ମାଗନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଡାକନ୍ତୁ CBIକୁ, CBI ଆସିକି ତଦନ୍ତ କରୁ ଆଉ ସତ ଉନ୍ମୋଚନ ହଉ। କଂଗ୍ରେସ ତାର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି ରାଜନୀତି କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶାସକ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାତରେ କେମିତି ସମଝୋତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛେ। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ସମଝୋତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ବିଧାୟକମାନେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏଠି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁକି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିକରି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁକି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ କରୋନା ସମୟରେ 3,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପ୍ୟାକେଜ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ୟାକେଜ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଓହ୍ଲେଇକରି ଯିଏ କରୋନା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 45,00,000 ଗରିବ ମାଆମାନଙ୍କୁ 5,072 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଉତାରିକି କାହା ଫଟୋଚିତ୍ର ଲଗେଇବେ? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଲଗେଇବେ, ଯେଉଁ ମା ପୁଅ ମିଶିକିରି 2,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଏଲ୍ ବଣ୍ଡ ଖାଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ? କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହେଲେ ସ୍କାମ୍ର ଜନ୍ମଦାତା। ଦୀର୍ଘ 55-60 ବର୍ଷ ହେବ ଦେଶରେ ଯେତିକି ବ୍ୟାଧା, ଯେତିକି ତ୍ରୁଟି, ଯେତିକି ଅସୁବିଧାର ମୂଳ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏବେ ଦୟାକରି ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକରି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଟିକସ ନେଉଛି, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଏବଂ ଅଦର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ବେଶୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଦର ବଢ଼ୁଛି ଆମେ ବି ଭାବୁଛୁ ବେଶୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବେଶୀ କୁହାଯାଉଛି ସେଥିରୁ 42% ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶର କାମ, ରାଜ୍ୟର ଯାହା ଫଙ୍କସନିଂ ସେହି ପଇସାରୁ ହେଉଛି। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇଗଲା ସେ କେନ୍ଦ୍ର ପଇସାର 42% ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ସାରିଦିଏ ଭଉଣୀ, 42% ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ବି ଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 31% ଭ୍ୟାଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ, 27% ଭ୍ୟାଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଡିଜେଲ ଉପରେ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମୁଁ ପ୍ରତିଶତ କହିଲି ପ୍ଲିଜ, ହଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ, 31% ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ, 27% ଡିଜେଲ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିକିରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ଦରଦ, ଭ୍ୟାଟ୍ କମାନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ଭ୍ୟାଟ୍ କମାନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ପଇସା କେଉଁ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଟ୍ ନେଉ, ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ରଖିଲୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସିଏ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଡିଟେଲିଂ କରିବେ। ତୃତୀୟ କଥା, ଦେଶର ସବୁଠୁ ସର୍ବାଧିକ ଭ୍ୟାଟ୍ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ନେଉଛି 38+% 38.something% ରାଜସ୍ଥାନରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଆଉ ପଞ୍ଜାବରେ 31%+something ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଧିକା ନେଇଗଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି, ଆଗ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ, ନିଜର ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ କମାନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାରମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ କମାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ କେମିତି ଏ ପଇସାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟାଟ୍ ଟିକସକୁ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲୁ। ଯେଉଁଥିରେ କରୋନା ସମୟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଉନଥିଲା, କୌଣସି ଜିନିଷର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଉନଥିଲା, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭତ୍ତା, ଇଏ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ରିଫିଲ୍ ମାଗଣାରେ ଦିଆହେଇଛି, ଇଏ ସବୁ ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛି ନା, କେହି ତ ଏଠି ଆସିକି ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ଯିଏ ବୁଝିପାରୁଛି ତାକୁ ଅଧିକା ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ନାହିଁ।
आउ जे न बुझिबा पाई मन स्थिर करछि ताकू जते प्रमाण तागरे रखिले भी सेटा निहंट हबो कोन कहतल बहु मो बहुत खुशी जे आपण एटलीस्ट किछि बेसिक होमवर्क करकी आसी चंती आ मते प्रश्न पचारछन बहुत खुशी जे आपण ए प्रश्न पचारले मो 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 आपण को तार उत्तर रखिबा पाई कि चाहूछि 2014 पूर्वरु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नथिला जो थरे केंद्र सरकार देश रे 8 कोटी गरीब परिवार को मागणा गैस सिलिंडर देचंत कांग्रेस सरकार से भली महत्व परिकल्पना केबे तांकर जीवदशा रे करि नथिले कि करिवे नाही जते बेले आमे खोला खोली कहू हाँ आमे टिकस नेछु किंतु टिकस कोठी लगेछु आपणक भली आमे टिकस नेकिरी स्विस बैंक रे भर्ती करनो आपणक भलिया टिकस नेकि आमे पनामा पेपर्स रे भर्ती करनो मोदी को पॉकेट को जाऊनी धर्मेंद्र प्रधान को पॉकेट को जाऊ नाही जदि विरोधी सत्साहस अच्छी एई सब कथा उपरे डिबेट आसिकी करंतु जहाँ जहाँ टिकस आदाय होची गरीब लोकों पेट को जाऊ मागणार गैस चूला दिगला लगी पैसा पड़े से ही टिकस पैसा लगी मागणार कोरोना समय आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिगला कोरोना समय रे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रे पैसा दिया गला आउ अनेक जनकल्याणकारी योजना मुको केवल हिसाब दौली 45,34,000 गरीब माँ मान पाखे 572 कोटी टंका खर्च करी 572 कोटी टंका भी तो पुणी कौटू आसी टिकसरु आई टिकसरु ही आसी कम लगे आमे पचार 2014 पूर्वर कांग्रेस जो टिकस आदाय करूला आमठू बहुत कम आदाय करूला से पैसा कौ कम लगोला उत्तर ना आप द्वितीय प्रश्न पचारे राज्य सरकार वैट कम केन्द्र सरकार एक्साइज ड्यूटी अधिका तार उत्तर मुझे दौर मन देख शुण कारण ये प्रश्न गुड़ाक आम सांबादिक सम्मिलन करके मन देख शुणु केन्द्र आदाय करूवा एक्साइज ड्यूटी एवं सेंट्रल टैक्स रु पूरा 100% केन्द्र को जानू से 42% पुणी राज्य मानक फेरिकी आस 42% अधिका किए ना आप हिसाब करूँ क्याल्कुलेटर काढ़ी अधिका किए ना हिसाब करूँ सेंट्रल टैक्स 42% प्लस स्टेट निजस्व वैट 31% अधिका किए ना आप मत कहतु ना किए अधिका ना केन्द्र सरकार केवल सेंट्रल टैक्स नौ 58% बाकीटा राज्य मानक फेरिकी आस राज्य मानकर कार्यक्रम ये गला सेंट्रल टैक्स पार्ट स्टेट नौ वैट ओडिशा नौ 30% प्लस 31% पखापाखि राजस्थान नौ कांग्रेस शासित राज्य 38% प्लस पंजाब नौ 31% प्लस सेटा से सेयर करना केन्द्र सहित से रखु से 42% केन्द्र को दौना निजे रखुं तो अधिका टिकस किए ना तार हिसाब कर देखो घोषणा सर्वस्व सरकार प्रति ना आमर कौन सी सम्मान रही ना आम ब्रत घोषणा रे एमती 22 वर्ष भितर अनेक घोषणा कले जो घोषणा कार्यकारी होना जो फलक को सही फलक हो पड़ रही तेणु निर्वाचन आसूची लोक गोटे चकमा देखेवा कथा से कि राज्य सरकार देखेले जदि तर आंतरिकता था ताले 22 वर्ष जाके अपेक्षा करन थांते कौन सी पैकेज डिक्लेयर करिया पाई कि लोकों काम लगी था भारतीय जनता पार्टी अहरह लोकों सहित रही लोकों समस्या सहित रही प्रधानमंत्री मोदी जनकल्याणकारी कार्यक्रम ही आमर सबुठ बड़ एडवर्टाइजमेंट प्रधानमंत्री मोदी जनसेवार मनोवृत्ति हूँ आम पाई कि सबुठ बड़ सी होती आमर सबुठ बड़ स्टार कैंपेनर आमर कौन सी बिछबिचिका घोषणा करार आवश्यकता नहीं कि लोक भंडेबार आवश्यकता ना पिपिलीवासी बहुत सचेतन पिपिलीवासी भल कि जानी 22 वर्ष भितर कौन ये विजु जनता दल सरकार कौन हो कौन न लोके मन बड़े लोके प्रधानमंत्री मोदी विकास धारा रे सामिल होबा को इच्छा कले सहित आमर सांगठनिक काम बराबर जारी रही
बूथ स्तर रे वार्ड स्तर रे मंडल स्तर रे कार्यक्रम लगातार चालू रही आपण माने जानती भारतीय जनता पार्टी गोटे 24 घंटिया दल 24/7 आम काम करू आउ 24/7 आमर सदस्यता आउरी विभिन्न जिते सब सेवाही संगठन जिते कथा सब जिते कार्यक्रम सब रही सब आम लोक तृणमूल स्तर में पहुँचवापी आमर अहरह प्रचेषा जारी रही था तेणु आम सब बेले निर्वाचन पाई प्रस्तुत देखु ये तेल दर विषय मुझे कहवा कथा कही सारे ता छड़ा आमर तैलमंत्री मान्य धर्मेन्द्र प्रधान विस्तृत भाव में कही सारे कौन कह रौ सहित कौन लिंक रही तेल दर कहीं बढ़े आउ कौन पाई भारत बर्षर तेल दर बढ़ी ये सब कथ मु भावुची पब्लिक डोमेन रे अच्छी पीपिली लोक कौन सी प्रभाव यार पड़े ना कारण लोके बुझुचंती साधारण लोक बुझुचंती जे विकास धारा केवल मोदी जी ही करि परिबे आउ अन्य राज्य रे जदि मोदी जी को द्वारा विकास धारा होउची आमे कौन पाई पछुआ पड़वा एक कथा ओडिशावासी एवं पिपलीवासी भल भाव जानते।